Very good morning, students. How are you? I hope all of you will be fine. Now I am your maths teacher, and today I am going to teach you maths of class 1. And today we start new chapter, chapter number 12, which is shapes. And today I will explain you page number 91 to 93. So let's start. This is your maths book, maths of class 1. Now open chapter number 12. Now see here, this is the chapter number 12, shapes. आज मैं आपको shapes के बारे में बताऊंगी. तो बच्चों, हमारी जो shapes होती हैं वो two types की होती हैं. First type की होती है two dimensional shape, जिन्हें हम plane शेप भी कहते हैं, जो सिर्फ हम लाइन ड्रॉ करके बनाते हैं. ओके, ड्रॉ करते हैं. और सेकंड टाइप की जो होती हैं वो होती हैं सॉलिड शेप्स या फिर थ्री डायमेंशनल शेप. तो सबसे पहले मैं आपको प्लेन शेप्स के बारे में बताऊंगी. जैसे प्लेन शेप है हमारी, जो सिर्फ हम लाइन ड्रॉ करके बनाते हैं, जैसे है स्क्वायर. तो देखो, ये आपको ये फोर लाइन्स दिखाई दे रही हैं. इस तरह की जो शेप है वो होती है स्क्वायर. ठीक है, इसमें स्क्वायर में ये कितनी साइड है, 1 2 3 4, ये फोर साइड्स इक्वल होती हैं. और इनके ये जो बीच में ये एंगल होते हैं बिल्कुल 90 डिग्री होते हैं, यानी कि बिल्कुल स्ट्रेट होती हैं ये. और ये ऑल साइड्स आर इक्वल. अब इसकी शेप का कौन सी चीज आपको दिखाई देती है, जैसे यहाँ पे देखो ये कैरम है, आप कैरम खेलते हैं, तो कैरम की जो शेप होती है, देखो यहाँ से यहाँ तक इसकी लेंथ, फिर यहाँ से यहाँ तक इसकी लेंथ, ये सब इक्वल होती हैं. ठीक है, ये सारी लेंथ इनकी इक्वल होती हैं आपस में, इसलिए कौन सी शेप हो गई, स्क्वायर. इसी तरह से नेक्स्ट है रेक्टेंगल. रेक्टेंगल की तरह कौन सी शेप होती है, देखो यहाँ से ये लाइन आपको बड़ी दिख रही है और नीचे की लाइन छोटी दिख रही है, यानी कि जो ये टू साइड्स होती हैं अपोजिट, आमने सामने की, ये इक्वल होती हैं. और ये टू साइड्स जो अपोजिट साइड्स हैं आमने सामने की, ये दोनों इक्वल होती हैं. ठीक है, तो टू साइड्स बड़ी होती हैं और टू साइड्स छोटी होती हैं. तो इस तरह की जो शेप है वो है रेक्टेंगल. अब इसकी तरह से कौन कौन सी चीज़ें आपको दिखाई देती हैं, जैसे हमारे घर का दरवाजा होता है, आपके रूम का डोर है ये, देखो ये ऊपर से नीचे ज़्यादा इसकी हाइट ज़्यादा होती है और ऐसे विड्थ इसकी कम होती है, तो इसकी तरह दिखाई दे रहा है ना. तो ये जो डोर है ये रेक्टेंगल की शेप का है. इसी तरह से आपका पेंसिल बॉक्स होता है, उसकी लेंथ ज़्यादा होती है, ऐसे होता है, और विड्थ कम होती है, चौड़ा कम होता है. तो क्या है, उसको जब हम ड्रॉ करेंगे तो क्या होगा, रेक्टेंगल की शेप का. तो इस तरह की जो शेप होती है वो होती है रेक्टेंगल. अब देखो ये है ट्रायंगल. ट्रायंगल में बच्चों 1 2 3 साइड्स होती हैं. कितनी साइड्स होती हैं ट्रायंगल में, 1, देखो ये 1 लाइन बनी हुई है, फिर ये सेकंड लाइन हो गई यानी कि 2, और फिर इस लाइन को हम काउंट करेंगे 3. तो ट्रायंगल में 1 2 3 साइड्स होती हैं. ओके, तो जिसमें 3 साइड्स होती हैं उसे कहते हैं ट्रायंगल. ठीक है, जैसे हम एरो बनाते हैं तो एरो में जो ऊपर वाला पार्ट होता है ये ट्रायंगल की शेप का दिखाई देता है, तो ये है ट्रायंगल. और ये क्या है, देखो ये पूरा सर्कल है, इसे कहते हैं सर्कल. इसकी शेप का कौन कौन सी चीज़ें होती हैं, जैसे ये देखो मम्मी की बैंगल होती हैं, चूड़ियाँ होती हैं या कड़े होते हैं, उनकी शेप होती है तो कैसी होती है, इसी तरह से होती है ना राउंड में, तो ये है सर्कल. या आपकी साइकिल है, या पापा की मोटरसाइकिल होती है, उसके जो व्हील होते हैं उनकी जो शेप होती है इसी तरह से होती है, तो ये देखो इसी की तरह दिखाई दे रहा है, तो ये कौन सी शेप है, सर्कल, जो बिल्कुल गोल होती है. इसी तरह से कॉइन होता है, सिक्का, जैसे 1 रुपये का सिक्का है, 2 रुपये का सिक्का है ना, जो कॉइन होते हैं, किसी का भी कॉइन हो सकता है, 1 रुपी, 2 रुपी, 5 रुपीज़, 10 रुपीज़, है ना, तो उसकी शेप इसी तरह से होती है. तो
तो ये है सर्कल, तो इसे कहते हैं सर्कल। तो ये थी बच्चों प्लेन शेप्स। अब मैंने बताया दूसरी टाइप की जो शेप होती है वो होती है सॉलिड शेप, जो सॉलिड होती हैं, अंदर से ठोस होती हैं, और उन्हें हम कहते हैं थ्री डायमेंशनल शेप्स। अब वो कौन कौन सी होती हैं देखो, जैसे ये है क्यूब, ये एक बॉक्स की तरह होता है। जैसे आप लूडो खेलते हैं तो ये क्या है डाइस, इसमें देखो ऊपर ये नंबर बने हुए होते हैं, इस तरह से पॉइंट्स बने हुए होते हैं कि 6 पॉइंट्स हैं, 4 पॉइंट्स हैं, ये 5 पॉइंट्स हैं, 3 पॉइंट्स हैं, ये 2 पॉइंट्स हैं, ये 1 पॉइंट है। तो ये है डाइस, इसकी शेप देखो इसकी तरह होती है, इसकी लेंथ होती है, ब्रेथ होती है, और ये ऊपर से हाइट होती है, ठीक है। तो इसलिए थ्री डायमेंशनल शेप हो गई। तो इसे कहते हैं क्यूब, जो बिल्कुल इक्वल लेंथ, ब्रेथ और हाइट, ये बिल्कुल इक्वल होती है। इसको कहीं से भी हम पलट के रख देते हैं तो हमें एक जैसा ही दिखाई देता है, और सामने से बच्चों ये हमें स्क्वायर की तरह दिखाई देता है। तो ये है क्यूब, और क्यूब की तरह क्या होता है आइस, आइस क्यूब होती हैं, जो मम्मी आइस जमाती हैं, जो ट्रे होती है आइस की, उसमें से इसी तरह से आइस निकलती है ना, उसके पीस निकलते हैं, तो उसकी शेप कौन सी है क्यूब। नेक्स्ट है क्यूबॉइड, क्यूबॉइड ये भी एक बॉक्स की तरह होता है। ये बॉक्स बेटा अंदर से खाली भी हो सकता है, यानी होलो खोखला भी हो सकता है, और ये सॉलिड भी हो सकता है। जैसे आप मार्केट जाते हैं, आप अपने शूज लेकर आते हैं, शूज का बॉक्स होता है इस तरह से, ऐसे उसकी लेंथ होती है, फिर ये ब्रेथ होती है, और ये इसकी हाइट होती है, इसके अंदर आपके शूज रखे हुए होते हैं, और ये पूरा बंद होता है। तो इस तरह का जो बॉक्स होता है वो होता है क्यूबॉइड। और कौन सी शेप होती है क्यूबॉइड की, जैसे आपका पेंसिल बॉक्स है ना, वो भी तो ऊंचा होता है, उसकी हाइट होती है, उसके अंदर हम सामान रख लेते हैं, ब्रिक, ईंट, ईंट होती है, ईंट इसी तरह से होती है ना, ब्रिक जो होती है, लेकिन हम उसके अंदर कुछ रख नहीं सकते, वो सॉलिड होती है, लेकिन उसकी शेप इसी तरह से होती है क्यूबॉइड की तरह। ओके, तो इस तरह से ये है क्यूबॉइड। नेक्स्ट है स्फीयर। स्फीयर बच्चों ये भी सॉलिड होती है। अब जैसे बॉल, आप बॉल से खेलते हैं तो बॉल मोटी होती है ना, हम उसको हाथ में पकड़ते हैं, हम उसको इस तरह से पूरा प्लेन ड्रॉ नहीं कर सकते। बॉल है, ये ऑरेंज है, या लेमन होता है ना, लेमन भी इसी तरह से छोटी बॉल की तरह होता है। तो ये सब, और मार्बल होते हैं जो बच्चे खेलते हैं, मार्बल जिसे हम हिंदी में कंचे कहते हैं, तो उनकी शेप भी इसी तरह से होती है, राउंड में गोल। तो इस तरह से ये है हमारी कौन सी शेप, स्फीयर, ठीक है, जो समझ जो आपको बॉल की तरह दिखाई दे रही है और हम उसको हाथ में ले सकते हैं, वो है स्फीयर। और ये है सिलेंडर, देखो ये क्या है सिलेंडर। तो सिलेंडर की शेप कैसी होती है, देखो ये बनी हुई है, इसकी ये हाइट होती है, और ये बीच में से पूरा गोल होता है, देखो ये पूरा गोल होता है ना सिलेंडर, और ऐसे ऊपर से इसकी हाइट होती है, तो ये शेप है सिलेंडर की। अब जैसे आपकी पेंसिल है, देखो ये पेंसिल दिखाई दे रही है आपको, ये सिलेंडर की तरह बीच में से गोल है, और इसकी ये हाइट है, ये कौन सी शेप हो गई सिलेंडर। और सिलेंडर की तरह क्या दिखाई देता है पेन। अब जैसे देखिए ये पेन है, ये भी इसकी तरह दिखाई दे रहा है, ये बीच में से गोल है, ये देखो ये गोल है पूरा, और ये इसकी हाइट है, तो ये इसकी तरह दिखाई दे रहा है, ये कौन सी शेप है सिलेंडर। और कैसा होता है सिलेंडर, चौक, मैम चौक से लिखती हैं ब्लैक बोर्ड पर, तो चौक भी बिल्कुल इसी की तरह होता है ना, इसकी हाइट होती है चौक की, और बीच में से गोल होता है चौक, तो उसकी शेप हो गई सिलेंडर। और घरों में बेटा जो रॉड लगी हुई होती हैं, बड़ी वाली रॉड होती हैं, गोल होती हैं बीच में से, और उनकी हाइट होती है, लेंथ होती है, तो वो कौन सी शेप है सिलेंडर। और वाटर के पाइप होते हैं, वो देखो बीच में से गोल होते हैं और उनकी लेंथ होती है, तो उनकी शेप कौन सी है सिलेंडर।
तो इस तरह से जो भी ऑब्जेक्ट हैं उनकी शेप है सिलेंडर। अब आ जाइए कोन। देखो ये कोन है, ट्रायंगल की तरह दिखाई दे रहा है लेकिन अंदर से गोल है। तो बच्चों देखो, आप आइसक्रीम खाते हैं तो ये नीचे का पार्ट होता है जिसके अंदर आइसक्रीम हम फिल करते हैं, तो जो नीचे का पार्ट है अंदर से खाली होता है, जब भी तो आइसक्रीम अंदर जाती है, और ये पूरा गोल होता है बीच में से, और यहाँ पे ये कोना निकला हुआ होता है, तो ये होता है कोन। इसी तरह से बर्थडे कैप होती है या जोकर की कैप होती है, इस तरह से होती है ना, हम सिर के ऊपर कैप लगाते हैं, तो ये भी देखो इसी की तरह दिखाई दे रही है, तो ये है कोन। तो इस तरह से बच्चों आज मैंने आपको प्लेन शेप्स और सॉलिड शेप्स के बारे में एक्सप्लेन किया। तो इनको आपको रिवाइज करना है, एक बार फिर आप अपने आप इन शेप्स को पढ़ेंगे और पहचानने की कोशिश करेंगे। ओके, सो नाउ थैंक यू, हैव अ नाइस डे।